हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिंगन फोल्ड कैप्सूल के बारे में। यह एक वेजाइनल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। इसका यूज महिलाओं से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जानेंगे यह कैप्सूल आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाता है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस कैप्सूल में कौन कौन से कंपोजिशन मिलाए जाते हैं, इस कैप्सूल का यूज कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, इस कैप्सूल का क्या डोज होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है, इस कैप्सूल से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस कैप्सूल को यूज करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लिंगन फोल्ड कैप्सूल के कंपोजिशन की बात करते हैं तो यह तीन कंपोजिशन की एक दवा है, जिसमें क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रिमाजोल तथा टिनिडाजोल, ये तीनों दवाइयाँ इसमें मिलाई जाती है। इसमें जो क्लिंडामाइसिन है, यह एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। और जो क्लोट्रिमाजोल है, यह एक एंटीफंगल दवा है जो कि फंगस की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिससे कि फंगस की ग्रोथ रुक जाती है और फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। और जो टिनिडाजोल है, यह एक एंटी पैरासाइटिक दवा है जो कि पैरासाइट की ग्रोथ को रोककर इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। इस प्रकार ये तीनों दवाइयाँ मिलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तथा फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे क्लिंगन फोर्ड, माइमाजोल, सीसीटीवी, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो क्लिंडामाइसिन है, क्लोट्रिमाजोल है तथा टिनिडाजोल है, ये तीनों ही 100 एमजी की स्ट्रेंथ में मिलाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जो क्लिंडामाइसिन है, यह एक एंटीबायोटिक दवा है, और जो क्लोट्रिमाजोल है, यह एक एंटी फंगल दवा है, और जो टिनिडाजोल है, यह एक एंटी पैरासाइटिक दवा है। यानी कि इस कैप्सूल का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन तथा पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इन तीनों को ठीक करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः वेजाइनल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन तथा फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, लेकिन कई बार यह मिक्स इन्फेक्शन के कारण भी होता है जो कि सामान्य मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा यह कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब महिला में वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो महिला के जननांगों में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन तथा वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है। और जब महिला का वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है तो स्मेल आना, पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा यह कैप्सूल पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन सभी इन्फेक्शन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ट्राइकोमोनाइसिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, वेजाइनल कैंडिसियासिस, इस प्रकार इन तीनों अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। और यह जो तीनों बीमारियां हैं, इन तीनों के लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इन तीनों बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्किन इरिटेशन, स्किन रैशेस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को यूज करना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का क्या डोज रहता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा दिन में एक बार रात को सोते समय यूज करने की सलाह दी जाती है। इस कैप्सूल को रात को सोते समय वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, इसे ओरली यूज नहीं किया जाता है। इस कैप्सूल को वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए इस कैप्सूल के साथ में एक एप्लीकेटर दिया जाता है, और इस कैप्सूल की एक स्ट्रिप में 7 कैप्सूल आते हैं और इन्हें 7 दिन तक रोज रात को यूज किया जाता है। और जब भी आप इस कैप्सूल का यूज करें तो आप इसे बेड पर सीधे लेटकर यूज करें, जिससे कि वेजाइना में यह कैप्सूल आसानी से इंसर्ट हो सके। इस कैप्सूल को इंसर्ट करने के बाद आप लेटे रहें, एकदम से उठे या बैठे नहीं, इसलिए डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को रात को यूज करने की सलाह दी जाती है।
और इस कैप्सूल को यदि आप रात के समय में यूज नहीं कर पाते और दिन के समय में यूज करते हैं तो इसको इंसर्ट करने के बाद आप मिनिमम 3 घंटे तक बेड पर लेटे रहे। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज न करें। इस एप्लीकेटर को अच्छे से वॉश करें जिससे कि आपको दूसरे इन्फेक्शन ना हो। इस एक एप्लीकेटर को एक ही महिला यूज करें, इसे मल्टीपल यूज बिल्कुल ना करें। इस कैप्सूल को यूज करते समय आप फिजिकल रिलेशन बिल्कुल ना बनाएं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यह रहे कि उसके प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में उसे यह कैप्सूल यूज करने के लिए नहीं दिया जाता है। यदि किसी महिला का पीरियड चल रहा है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज नहीं किया जाता है। यदि आप यूज करते हैं तो उस समय इस कैप्सूल का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इस कैप्सूल को ओरली यूज नहीं किया जाता है, इसे वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और यदि किसी महिला को ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर द्वारा कुछ ओरल मेडिसिन दी जाती है जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटी फंगल मेडिसिन, इस प्रकार की कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे कि महिला का इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सके। और यदि किसी महिला को ज्यादा इन्फेक्शन नहीं रहता है तो उस समय सिर्फ इस कैप्सूल का ही यूज किया जाता है और इस कैप्सूल से काफी अच्छा फायदा भी मिल जाता है। इन सभी सावधानी का आप ध्यान रखते हैं तो इस कैप्सूल का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लिंगन पोर्ट कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।